कि भाई कैसे अपना एग्जाम क्लियर करें। बहुत सही टिप है भाई। पता है क्या, गाइस कैसे हो आप सब लोग? तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये आज शाम नहीं हो रही, आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ सुबह। आज बज रहे हैं सुबह के 7। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मेरी किस्मत में सूरज ही नहीं है। ऐसा क्यों भाई, आप सब पूछोगे। वैसे मैं कुछ भी बोलता हूँ ना यार अपनी वीडियो के अंदर, बस ऐसा ही हूँ मैं। तो मैं हमेशा वैसे तो 3-4 बजे उठता हूँ, लेकिन आज है मेरा एग्ज़ाम, तो आज मैं उठ गया हूँ जल्दी। और आज मैं वाटरप्रूफ जैकेट और वाटरप्रूफ शूज़ डाल के निकल चुका हूँ सुबह 7 बजे अपना एग्ज़ाम देने के लिए, जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मेरा है एग्ज़ाम। और देख लो, सूरज अभी तक नहीं निकला है। जब सूरज निकलता है ना, तब मैं सोता हूँ। देखना, जब ये एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा ना, मैं तो घर आके सो जाऊंगा। वैसे कल रात को मैं जल्दी सो गया था, 11 बजे के आसपास ही। बट एनीवेज, क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ मैं। आपको मैंने दिखाना है अपना एग्ज़ाम का माहौल, कैसा एग्ज़ाम होता है क्या नहीं होता, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा आज। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी कुछ बस आती है भाई अपनी, देख लो अभी मेरी भी यहाँ से आएगी। तो गाइज, अगर बाहर आ रहे हो, एकोमोडेशन तो आपको सबको चाहिए ही होगी ना यार, एकोमोडेशन के बिना गुजारा है नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहना सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि भाई सेफ़ भी होता है, सिक्योर्ड होता है, प्रॉपर 24/7 सिक्योरिटी होती है। तो ये भाई कैसे पॉसिबल होगा, ये होगा एम्बर स्टूडेंट के थ्रू। एम्बर स्टूडेंट एक प्रीमियर स्टूडेंट एकोमोडेशन है, जिसमें 1 मिलियन प्लस बेड्स हैं, ओवर 20,000 प्रॉपर्टीज एंड 250 प्लस सिटीज़ में है। प्रॉपर लग्जरी एकोमोडेशंस भी हैं और प्रॉपर शेयर्ड एकोमोडेशंस भी हैं। तो आपको शेयर्ड एकोमोडेशन मिल जाएंगी, ऑन स्वीट स्टूडियोज, सेपरेट 2 बेडरूम फ्लैट्स, ये सब आपको मिल जाएंगी भाई एम्बर स्टूडेंट के थ्रू। और मेरे लिंक के थ्रू बुक करोगे, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जाके ज़रूर चेकआउट करो, बस आपको लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर देनी है। बाकी एम्बर स्टूडेंट वाली आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। और बहुत सी जगह अवेलेबल है यूके में भी, बर्मिंगम, कैम्ब्रिज, ब्रिस्टल, लंदन, हर जगह अवेलेबल है। बाकी बुक करो मेरे लिंक के थ्रू, आपको ही बेनिफिट होगा। यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ, देख लो कुछ ऐसा व्यू है मेरे पीछे का। बारिश बारिश हो रही है, तो ऐसे ही छोटी मोटी बूंदाबांदी होती रहती है यार यहाँ पे ना, तो हर कोई वाटरप्रूफ जैकेट डाल के चलता रहता है इधर। पता नहीं सिस्टम है यहाँ का, ये ऐसा कुछ व्यू है। बहुत बार देखा होगा आपने ये वाला व्यू मेरी वीडियोज़ के अंदर। पीछे है हब, स्टूडेंट हब, और ये भी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की न्यू बिल्डिंग बनी है, जैसा कि आप सबको मेरी वीडियोस के थ्रू पता ही होगा। और ये वाली जो स्ट्रीट है ना, यहाँ पे एक स्टूडेंट एकोमोडेशन है, अरुंडल हाउस, और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स सेंटर वगैरह सब कुछ यहीं पे ही है, इस जगह पे आ रहा हूँ मैं एग्ज़ाम देने। तो गए, आ गया हूँ मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर में, और बहुत सारे लोग आ गए हैं मेरे एग्ज़ाम देने के लिए। ये देखो कुछ ऐसा माहौल है भाई यहाँ का। तो पीछे चलो जाइए, पीछे होके आते हैं ज़रा, पीछे क्या सिस्टम है यहाँ पे। और बाकी एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, उधर सब लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे क्या सिस्टम है, इस जगह पे मैं कभी आया नहीं। इसकी बैक साइड भी है ये, वाओ ऐसी है। फाइनली एग्ज़ाम, उधर से जाऊँ, उधर से जाऊँ, इधर से जाता हूँ या फिर नहीं, इधर से जाता हूँ। कंफ्यूज हुआ है काफ़ी। ये देखो फाइनली भाई एग्ज़ाम हो गया मेरा, ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। बिना कैलकुलेटर के गया था मैं, वैसे कैलकुलेटर लेके आए हुए थे बच्चे बहुत सारे ना, बहुत तेरी बारिश हो रही है, बहुत सारे बच्चे यार कैलकुलेटर लेके आए थे। बट यार छोटी मोटी कैलकुलेशन भी ना, मतलब 3 डिजिट्स वाली जो कैलकुलेशन होती है, डिवाइड वगैरह वाली, वो करने के लिए ही बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मेरे को ना पसंद नहीं है, तो ऐसे ही कर लेता हूँ मैं। और यार पता है क्या हुआ यार, मैं आपको ना एक टिप देता हूँ यार, ये मैंने तो फर्स्ट टाइम पेपर दिया अपना ऐसे फिजिकली जाके। तो भाई एक आपको टिप देता हूँ, अगर जो जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में है या फिर जो जो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी है ना, कि भाई कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर करें, बहुत सही टिप है भाई। पता है क्या,
बताता हूँ चलो आपको यार। हुआ क्या भाई, जो कल मैं ना रात को पास्ट एग्जाम्स पेपर देख रहा था, जैसे कोवेंट्री में ना अपने ओला एक एप्लीकेशन है, ओला, जिसमें हमारा यूनिवर्सिटी का सब कुछ आता है, मतलब जो जो क्लासेस हैं, सारे मॉड्यूल्स वगैरह, ट्यूटोरियल्स वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह, असाइनमेंट सबमिशन वगैरह, सब कुछ हमारा होता है ओला एप्लीकेशन पे, है ना। तो आप जब आओगे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी तो आपको पता लगेगा, या अगर आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में हो तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है गाइस, जो बिल्कुल सेम आया था, बिल्कुल सेम जो मेरा पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था ना ओला पे कल था, एग्जैक्टली सेम था। मेरे को लगा भाई वो नहीं आएगा भाई, क्यों देंगे ये सेम क्वेश्चन पेपर, एग्जैक्ट सेम था। चार क्वेश्चन होते हैं 25-25 नंबर के, एक पार्ट में, एक क्वेश्चन में चार या पांच पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे आए चार क्वेश्चंस, मतलब वैसे ना वैसे टोटल 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमें चार करने हैं। तो एक होता सेक्शन ए, एक होता सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में होते हैं 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में होते हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें से हमें सेक्शन ए में से 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन बी में से 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल हमें करने होते हैं 4 क्वेश्चंस, जो कि होते हैं 100 नंबर के, 2 घंटों के अंदर करने होते हैं, ठीक है। तो भाई एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आए, डिजिट वगैरह अलग होंगी, और जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से गाइस मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप ऐसा कोई फिजिकल पेपर देने जाओगे ना, अब आज तो मेरा फर्स्ट पेपर था, ठीक है, अब मेरे को समझ आ गया। अब मैंने कल कल भी मेरा पेपर है, बड़ा शोर करती है गाड़ियां यार, ठीक है। तो वैसे मैं अब आपको सच बात बताता हूँ, मैंने ना कल अपना पेपर ना इतना ध्यान से नहीं किया था, मतलब किया था बट यार मैं और भी चीज़ें पढ़ी थी पेपर के अलावा, लास्ट ईयर के पेपर के अलावा, ठीक है। बट अब जैसे आज मेरे को एक थर्ड ईयर का बच्चा मिला, उसने मेरे को बताया कि भाई खाली ट्यूटोरियल्स पढ़ ले और अपना लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पढ़ ले, मतलब पास हो जाएगा। पास ही होना होता है यार, 50-60%, 70% नंबर आ जाए बहुत होते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90-80 कोई भी नहीं लेके आता, जहाँ तक भाई मैंने देखा, भाई जो बात सच बात बोलूँ आपको तो, ठीक है, ले आओ तो अच्छी बात है, बट ठीक है अपने को तो पास होना है ना। तो फिर भाई क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट जो मेरा कल पेपर होगा ना भाई, बड़ा शोर है, अब जो नेक्स्ट मेरा पेपर होगा ना गाइस, उसके अंदर मैं अब क्या करूँगा, सिर्फ वही पढ़ के जाऊँगा मैं जो मेरा ट्यूटोरियल्स है, ट्यूटोरियल भी नहीं, पास्ट एग्जाम पेपर मेरे पास ना 3-4 पड़े हैं, तो वही वाला पढ़ के जाऊंगा, उसी में पास हो जाऊंगा, देख लेना। तो ऐसे ही है सिस्टम भाई यहाँ का, कुछ पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो आपको सारे अवेलेबल होंगे। बाय चांस शोर बहुत करती है यार ये बसें, देखो बाय चांस अगर आपको पेपर अवेलेबल ना हो तो अपने कोर्स लीडर, हर यूनिवर्सिटी में कोर्स लीडर, कोर्स डायरेक्टर, मॉड्यूल लीडर होते हैं, उनको ईमेल डाल दो कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए पास्ट एग्जाम पेपर्स की, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, और अगर किसी के एग्ज़ाम्स हैं तो ऑल द बेस्ट भाई उनको, और किसी के नहीं है तो आई होप, स्टूडेंट तो हो गई आप, तो ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल, एंड अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सिटी सेंटर घूमते हैं, और ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, सिटी सेंटर घूमता हूँ, ये देखो ये है सिटी सेंटर का कुछ व्यू, और बैंक में काम है, हमेशा बैंक में ही काम होता है मुझे यार, बहुत दिक्कत करते हैं यार बैंक वाले ना, तो बैंक जा रहा हूँ, जरा मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। फाइनली HSBC से आ गया हूँ मैं, पता क्या हुआ यार, मेरे ना कुछ पैसे अटके हुए थे यार बहुत टाइम से, मतलब मैं जा भी नहीं रहा था बैंक HSBC, और मतलब मैंने ना बहुत उसे बोला, इंडियन थी, मतलब 30-40 साल से HSBC में वर्क कर रहे हैं वो, और मैंने उनको बोला कि भाई मेरी सैलरी आई हुई है यूट्यूब से यार, मैं निकाल नहीं पा रहा ये वो, मैंने प्रूफ वगैरह बताए, प्रूफ भी नहीं दिए, मतलब
मैंने खाली उसे अपना चैनल बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे हेल्प करता हूँ, स्टूडेंट हेल्प वगैरह वगैरह जो भी है, और ये यूनिवर्सिटीज की वीडियो बनाता हूँ ये वो। तो उसने मेरी हेल्प करी, 5 मिनट के अंदर उसने मेरे को जो मेरा काम था वो मेरा सॉर्ट आउट करके दे दिया। तो इतनी खुशी हुई ना मतलब मेरे को ऐसे कि हाँ भाई चलो सॉर्ट आउट हो गया। होते रहते हैं यार छोटी मोटी टेंशनें सबकी लाइफ में आती रहती है, बट देखो यार इसने 1 मिनट में मेरा करके दे दिया सॉर्ट आउट। और जाते हुए ना मैं जब गया, मेरी आईडी वगैरह थी, मैं गेट तक पहुंच गया, मेरे को पीछे से आवाज़ मारी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब क्या हो गया, तो कह रही डोंट फॉरगेट टू पुट दिस ऑन यूट्यूब ये वो कि वी हेल्प यू। मैंने कहा था कि मैं लॉयड्स वगैरह में भी जा चुका हूँ, लॉयड्स में अकाउंट है ये वो, तो कह रही बताना मत भूलना अपने यूट्यूब पे कि HSBC वालों ने आपकी हेल्प करी। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बताऊँगा। तो इसलिए स्पेशल इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सबको कि भाई HSBC वालों ने हेल्प करी। वो भाई वो कौन है भाई ऊपर देखो जाइंट व्हील पे कौन ऊपर खड़ा हुआ है वो। एनीवेज गाइस तो थोड़ा बहुत सिटी सेंटर घूमता हूँ, सोच रहा हूँ इधर उधर घूम के वीडियो वगैरह बनाता हूँ। सही में नहीं है वैसे तो यार, मतलब क्या करें अब कुछ है नहीं करने के लिए मेरे को। अब जो काम है ना यहाँ पे वो है मेरे को शाम को 5-6 बजे के आसपास, बट अभी बज रहे हैं 12, तो अभी मैं 6 घंटे फ्री हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं 6 घंटे यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ, या तो सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, बट फिर मेरे को आना पड़ेगा यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कतें हैं यार क्या किया जाए। चलो इधर उधर घूमता हूँ मैं ज़रा।